क्या है, अगर आप पोर्टिंग सर्विसिंग कुछ भी कराते हैं उसके बेनिफिट्स क्या है, ये मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच। तो गाइस, गाड़ी की किसी भी सर्विस के लिए, चाहे वो कार रिपेयर सर्विस हो, डेंटिंग हो, पेंटिंग हो, डिटेलिंग हो, इंजन बॉडी, अलॉय, कार रैप, पीपीएफ, कार मॉडिफिकेशन, एक्स वाई जेड, लाइट रेस्टोरेशन, कोई भी इंजन रेस्टोरेशन, कार रेस्टोरेशन, कोई भी काम हो आपको, तो गाइस आप हमसे जुड़िए। प्लीज़ ऑटोकॉर्ड्स को फॉलो करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। ये इसमें इंजन ट्रीटमेंट के लिए है। फ्लश करने के बाद हमें इंजन के साथ डालना होता है, चाहे आप सिंथेटिक डाल रहे हो या कोई भी ऑयल यूज़ कर रहे हो, ये डालोगे ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देती है गाड़ी, अच्छा रहता है। स्लो स्लो तरीके से डालना है, धीरे धीरे जाएगा, आराम से देख रहे हो उसको। आपको काफ़ी लोग मना करेंगे कि नहीं डालना है, लेकिन आप प्लीज़ डालिए, अपने बंदे को बोलिए, मैकेनिक जो भी होगा, कि इसको डालें, इससे इंजन परफॉर्मेंस बहुत बेटर रहती है और आगे के लॉन्ग रन के लिए अच्छा रहता है। हाँ, तो अंकित, इसका फ़ायदा क्या रहेगा जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं? इंजन ऑयल खत्म हो जाता है ना, जैसे कभी कभी गाड़ी का सपोज करो इंजन ऑयल खत्म हो गया तो सीज रहने का डर रहता है, तो 5-6 कम से कम 10 किलोमीटर निकाल देता है आराम से। अगर ऑयल भी खत्म हो जाए तो आपके 8-10 किलोमीटर कहीं नहीं गया, आप इसको एज इट इज चला सकते हो, तो ये फ़ायदा रहेगा इंजन ट्रीटमेंट का। ठीक है ठीक है। तो ये मतलब कि क्रैंक केस में जाके उनको फिर बैठ जाएगा, ये पूरा बैठ जाएगा, उसको थिक करता है, और गाड़ी की आवाज भी कम करते हुए इसकी वजह से आवाज कम करेगी। अच्छा, आवाज भी कम करेगी, इंजन आवाज कम करेगा, तो मतलब ज्यादा अच्छा रहता है इंजन ट्रीटमेंट के, इसको यूज कर लेना चाहिए। कितने किलोमीटर बाद इसको डालना चाहिए? एक सर्विस छोड़ के कर लेनी चाहिए, मतलब हर दूसरी सर्विस पे। ये ठीक है ओके।